दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। हाई स्कूल का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही स्मार्ट टॉपिक है। यहाँ से आपके कि बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में ज़रूर से क्वेश्चन आता है। दो वीडियो बैक टू बैक वीडियो आ रही है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है, ऊर्जा निकलती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है कि बाहर निकलना, थर्मल का मतलब हीट, ऊष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर हम ग्रेफाइट की, मतलब कि कार्बन है, ये ग्रेफाइट की छड़ है, क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है, जिसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, कैलोरी ऊष्मा निष्कासित होती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निष्कासित होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साथ साथ इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा जब हम एक प्राकृतिक गैस होती है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, प्राकृतिक गैस को हम लोग CH4 क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसको मेथेन गैस कहते हैं, इसी को मार्स गैस कहते हैं, इसी को दलदली गैस भी कहते हैं। जब और ये कहाँ पे होता है कि जो कोयले की खाने होती हैं, कोयले की खानों में जो अक्सर उसमें ब्लास्ट होता है, तो जब उसमें से कि ज़मीन में से नीचे के ज़मीन की खान के नीचे की जो खाने होती है उसके नीचे से जब मेथेन गैस निष्कासित होने लगती है तो वातावरण में आएगी। वातावरण में आएगी तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल बनाती है, और अपार ऊर्जा ऊष्मा निष्कासित होती है। जैसे हमने क्या लिया कि मेथेन लिया, CH4 लिया और फिर आपका O2 लिया, ये आपस में क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और क्या बन जाते हैं, H2O बन जाते हैं। ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद फिर क्या होती है कि अपार ऊष्मा निष्कासित होती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, यह भी एक प्रकार की आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस के लिए हम पूरा एक अलग से टॉपिक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन एक कितना ऑक्सीजन आपके पास 4 है, तो 2 2 4 हो गया, तो 2 ये हुआ, 2 इससे गुणा हो गया, 4 हो गया। और फिर हाइड्रोजन कितना है, 4, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये मेथेन गैस है, ये आपकी क्या है, मेथेन गैस है, ये क्या है, आपका ऑक्सीजन है, वातावरण की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ये बना लिया, और वाटर निकलता है और ऊष्मा बहुत बाहर निकलती है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तो इसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग फिर क्या कर श्वसन करते हैं, एक श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में भी क्या होता है कि सांस की क्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज C6H12O6 जब इसका रिएक्शन आपने इससे कराते हो ऑक्सीजन से, तो हमको क्या मिलने लगता है, तो 6CO2 मिलता है, 6H2O मिलता है, और फिर क्या निकलती है, ऊष्मा निष्कासित होती है।
तो आपने देखा कि ये सभी क्या हैं, ये सभी जितने भी हमने रिएक्शन लिखे हैं सभी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिखे गए हैं। ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये भी आपको क्या बहुत सारी किताबों में ये भी रिएक्शन दिया गया, ये भी रिएक्शन दिया गया है। ये किसका सूत्र है? C6H12 ओसी, ये सूत्र आपका ग्लूकोज का सूत्र है। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया काम करती है। फिर बता रहा हूँ कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो अभिकारक से जो उत्पाद बनता है तो वो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निष्कासित होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्मा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये आप बहुत बेहतरीन टॉपिक, बहुत स्मार्ट टॉपिक है, अक्सर लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पावर स्टडी, जो आप पावर स्टडी आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी है यहाँ पर आपको हाई स्कूल का यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हाई स्कूल से, और हमारा प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर पावर स्टडी जो एक ब्लैक नाम ब्लैक आपका ब्लैक ऐप मिलेगा उसको डाउनलोड करोगे वहाँ पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी उससे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर और चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।